यू सो मच. वंस अपन अ टाइम वी वेर वेयरिंग दिस वॉच एज एन एज वन ऑफ द आर्टिकल फॉर और यू नो बट नाउ इट हैज चेंज द डेफिनेशन. जब जो भी आपने फैक्ट्स बताए थे आई वॉज एबल टू रिलेट मेनी ऑफ द थिंग्स एंड अकॉर्डिंगली आई मेड द चेंजेस इन माई होम. बेस द मेन इंटेंशन वॉज टू चेंज माई लाइफ माई फैमिली लाइफ जो कि मैंने किया है एंड वो इट वॉज फैक्ट. एंड आफ्टर दैट जो मैंने चेंजेस भी डाले हैं अपने घर में भी जो किए हैं ना यू वॉन्ट बिलीव आई एम सींग द चेंजेस. मतलब मैंने मेजरली 3 चेंजेस किए हैं आउट ऑफ 3. मैं 2 चेंजेस तो कर देख रही हूँ. लिविंग रूम में डाला तो यू वॉन्ट बिलीव मेरे घर में एक टाइम में कोई बच्चे आते ही नहीं थे. मेरी बेटी जाती थी बाहर घूमने. आज के टाइम में शाम होते ही मेरे घर में 5-6 बच्चे आके बस उनका ये. एंड आई वॉन्ट आई मीन मुझे ये चाहिए था मेरे बच्चे के लिए. एंड द वाह सेकेंड थिंग इज आई मेड ए कस्टम वॉच वेयर आई इम्प्लीमेंट मीन्स यू नो आई इनकॉर्पोरेटेड स्टार्स एंड नंबर यू नो नंबर्स. मतलब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था बट आपसे लर्निंग करके भी. एंड आई वोर दैट इन माई राइट हैंड. इट गेव मी रिजल्ट सेम डे. वाह आई कैन टेल यू मेरे टीम में 20 मेल मेंबर के सामने आई एम द ओनली फीमेल मेंबर. एंड इट इज डिफिकल्ट. समटाइम इट गेट्स डिफिकल्ट बिकॉज एज अ फीमेल समटाइम यू नो आई गेट हेजिटेट. ऑन दैट डे आई डिड नॉट हेजिटेट. आई वॉज एबल टू कंट्रोल. मतलब बोलते हैं ना कि रूम मेरा है स्पेस मेरा है लेकिन लोग आके बात करके चले जाते थे. पहले ऐसा सीन होता था बट ऑन दैट डे आई टुक कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग. आई डोंट नो सम हाउ इट हैपेंड टू मी बट आई वॉज एबल टू डू. एंड कंसल्टेंसी भी मैं करती हूँ तो वो थोड़ा सा बढ़ गया है. तो ये 3 चार चीज आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड. और अभी देखने का नजरिया भी चेंज हो गया. एंड आई थिंक दिस इज सम यूनिक स्किल दैट यू नो वी हैव बिल्ट ओनली स्पेसिफिक पीपल अंडर द गाइडेंस ऑफ मिस्टर सुधीर कोवे. यू नो दैट इज समथिंग यू नो आई एम फीलिंग ओब्लाइज एंड आई एम फीलिंग वेरी स्पेशल लर्निंग फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच. आई थिंक थैंक यू, इट्स ऑल थैंक प्लान बाय द यूनिवर्स. सो थैंक यू सो मच सर. यू.